वैसे तो कांग्रेस और विवादों का बड़ा पुराना नाता है, लेकिन इस बार का विवाद थोड़ा हटकर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। उन्होंने इस मांग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेटर भी लिखा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पत्र को शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि आज जब प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के पूर्व सभापति डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान के लिए उनके विरुद्ध विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में वो बयान दिया था। जयराम रमेश ने 8 जुलाई को ये पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में हामिद अंसारी पर हमला बोला। जब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के पूर्व सभापति के खिलाफ ऐसा हमला नहीं किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपने पद की गरिमा को गिराया है, बल्कि उन्होंने संसदीय मर्यादाओं और नियमों को भी तोड़ा है। उल्लेखनीय है कि बीती 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था, विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, जब हम 2014 में आए थे तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और तत्कालीन सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे। उन्होंने कहा, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय किया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी भी बाधा से ना तो मोदी डरेगा और ना ही ये सरकार डरेगी। हम जिन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए निकले हैं उन्हें पूरा करके रहेंगे। मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति अंसारी अगस्त 2012 से अगस्त 2014 तक राज्यसभा के सभापति थे। अब ऐसे में देखना है कि कहीं आने वाले समय में राज्यसभा के सभापति पीएम मोदी पर क्या कार्रवाई करते हैं।